हिमंता विश्व शर्मा हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं 2 तारीख को, संभावित है क्या कुछ इस पर सर तैयारी चल रही है? देखिए, ये कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना है गांधी जयंती का दिन प्रधानमंत्री जी झारखंड में ही रहेगा, ऐसा संभावना है। सर, लगातार आप लोग यहाँ पर क्योंकि परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, कई सारी चीजें जो है फिलहाल झारखंड में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो घुसपैठ हो रही है उसको लेकर के भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, घुसपैठ हुआ है, अभी झारखंड सरकार भी ये मान चुका है, आदिवासियों का संख्या घट रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या बढ़ रहा है। हमें संथाल परगना में एनआरसी लाना है, एनआरसी का बाद हम लोग फॉरेनर्स जो घुसपैठी है उनको हम आइडेंटिफाई करेगा, कोर्ट से परमिशन लूंगा, फिर उन लोग को धक्का मार मार के यहाँ से हटाएगा। सर, गोगो मैया योजना की भी आप लोग बात कर रहे हैं जो कि बकाया अगर नहीं भी मिलेगा तब भी आप देने का काम। देखिए, गोगो दीदी योजना हम लोग लेके आ रहा हूँ, भारत सरकार से बकाया मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन गोगो दीदी योजना मैया सम्मान योजना से काफी अच्छा योजना होगा और हम पहला महीना से ही उसको देने का काम करूंगा। हम चुनाव का महीना में नहीं दूंगा, हम 5 साल दूंगा। तो ये थे हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, जो कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे हुए थे, लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ जो संभावित है 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा उस पर भी हम लोगों ने इनसे बातचीत की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि गोगो दीदी योजना जो है वो हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले महीने से शुरुआत करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के हमने इनसे बातचीत की और साथ ही साथ इन्होंने घुसपैठ के मामले पर भी कहा कि हम लोग इस पर एनआरसी भी लागू करेंगे। देखिए, हिमंता विश्व शर्मा आप बीजेपी कार्यालय से यहाँ से सीधे रवाना हो रहे हैं और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। धक्के मारकर निकालने की बात कही गई है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के। फिलहाल इस खबर में मैं इतना ही, सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज।